नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हमेशा की तरह हाजिर हूं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। सो बेसिकली आज का जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है वो है स्कॉलरशिप पे। सो आज का स्कॉलरशिप हमारा है वो है HDFC लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2021-2022। सो बेसिकली ये उनके लिए है जो कि क्लास 9 टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो आप जनरल कोर्स कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। सारे डिटेल्स को अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबको मैं ध्यान में रखते हुए डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसके डिटेल पे। तो सबसे पहले आपको बता दूं इस प्रोग्राम के बारे में, बेसिकली HDFC लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो बेसिकली इसका फाइनेंशियल प्रोवाइडर जो है वो खुद HDFC बैंक है, जो कि हर साल कुछ ना कुछ नया स्कॉलरशिप को लेकर आते हैं, जो कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही HDFC जो होता है हेल्प करता है। सो ये सर चलिए हम आपको बता दें, इसमें दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आपको बता दूं कि ये जो है उनके लिए है जो कि 9 to 12 स्टूडेंट्स है, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है जनरल स्टूडेंट के लिए जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, और थर्ड कैटेगरी जो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि है प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। जनरल कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जनरल कैटेगरी मतलब जो कि BA कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइक जो MBA कर रहे हैं, आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, ये सब उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ इसका जो डेडलाइन है काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 15 फरवरी 2022 इसका जो है डेडलाइन है। तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ, जो कि क्लास 9 to 12 वाले स्टूडेंट्स है तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास 9 to 12 में होना चाहिए, किसी भी स्कूल के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपके फैमिली का इनकम हो वो आपको 6 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सारे सोर्स को अगर हम मिला दें तो 6 लाख से ज़्यादा का सोर्स जो भी आपका फैमिली इनकम है वो आप नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ये जो है इसको स्पेशल कंसिडरेशन ऐसे स्टूडेंट को किया जाएगा जो कि इस पेंडेमिक में, यानी कि कोरोना COVID-19 आउटब्रेक में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी फैमिली मेंबर को वो खो चुके हैं, उनका जो डेथ हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो होता है ये स्कॉलरशिप वहाँ पे दिया जाएगा, उनके लिए जो है सबसे पहले प्रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फैमिली में जो है अपना जो है जो लेवलीहुड पेंडेमिक कारण, यानी कि किसी कारण के अपना जॉब उनका लॉस हो चुका है, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ HDFC बैंक के अगर बॉडी फॉर स्टडी के कोई भी एम्प्लॉई के बच्चे हैं तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, और ये सभी इंडियंस के लिए, सिर्फ इंडियन इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15,000 तक का स्कॉलरशिप रूरल स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जो आएंगे, और 20,000 तक का स्कॉलरशिप जो कि अर्बन स्टूडेंट जो कि शहरी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आते हैं तो देखिए मार्कशीट क्या लगेगा, प्रीवियस एजुकेशनल डिग्री, इस अभी जो आप जो डिग्री कर रहे हैं या जो भी आप किस जिस क्लास में हैं इसके प्रीवियस जिस क्लास में होंगे उसका मार्कशीट आपको यहां पे अपलोड करना होगा। साथ में गवर्नमेंट इशू जो है आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहां पे अपलोड करना होगा। ये आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पैन कार्ड हो सकता है। इन पाँचों में से कोई आप अपलोड कर सकते हैं, और आपको करंट एडमिशन प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ के तौर पे आप अपना फी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं कि कितना फीस आपको लगता है, एडमिशन लेटर जो एडमिशन के होंगे तो एक लेटर मिला होगा अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपको आई कार्ड मिला होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल से आईडी कार्ड मिलता है उसको आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं, और नहीं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तीन पाँचों में से कोई एक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में एक अलग से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि इसको बोलते हैं क्राइसिस डॉक्यूमेंट, यानी कि ये प्रूफ होगा कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स या प्रूफ ऑफ जॉब लॉस, मतलब कि आपके घर में किसी अर्निंग फैमिली मेंबर का जो था डेथ हो चुका है, तो अगर पेरेंट्स का डेथ हुआ है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और नहीं तो जॉब लॉस हुआ है तो उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जिससे पता चले कि आपका जो जॉब लॉस हुआ है जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। रेफरेंस ऑफ 2 पर्सन आपको देना होगा, यहाँ पे 2 लोगों का आपको रेफरेंस देना होगा जो कि बता सके फैमिली क्राइसिस को कि आपके घर में फैमिली क्राइसिस हुआ है। ये रेफरेंस कौन कौन पर्सन हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं आपके,
ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये आपके स्कूल ऑफ हेड हो सकते हैं, कॉलेज के हेड हो सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, गैजेटेड ऑफिस कोई भी हो सकते हैं, जो ये 2% जो आपको यहाँ पे उनका एक जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, साथ में बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपका है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो अपने पेरेंट का अपलोड आप कर सकते हैं, और साथ में फोटोग्राफ आपको अपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद जो जो भी डिटेल मांगेगा उसको फिल कर सकते हैं और फर्दर जो है आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया क्लास 9 to 12 के लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हैं इस साल, उनके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दिया मैंने आपको कि जो रूरल होंगे 9 to 12 में उनको 15,000 मिलेगा, अगर जो अर्बन है जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको 20,000 तक का मिलेगा। अब मैं ले चलता हूँ जनरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। तो मार्कशीट आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, आपको भी पता जैसे वहाँ पे किए हैं वैसे सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी अपलोड करने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो देखिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, जनरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लाइक आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, अगर इस तरह के कोई कोर्स कर रहे हैं, आपका एडमिशन किसी भी स्टेट या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 लाख से ज़्यादा का आपका फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ एनुअल फैमिली इनकम की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके पूरे फैमिली का सालाना आमदनी 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन सेम जैसा कि 9 to 12 में बताया कि ये उन्हीं को मिलेगा जिनके जो है माता पिता जो है अब खो चुके हैं, वह उनका अभी नहीं है, डेथ हो चुका है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके मिलेगा। साथ में अगर कोई अर्निंग फैमिली मेम्बर है आप में जो जॉब अपना खो चुके हैं तो उनको एक जॉब लॉस जो है प्रूफ एज ए सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे कि जैसे हम बताया कि इस SDFC के एम्प्लॉय के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, फिर बॉडी फॉर स्टडी के कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ये ओपन फॉर इंडियन नेशनल, ओनली इंडियन नेशनल, सिर्फ इंडियन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट यहाँ पे देखिए 40,000 तक का मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, 40,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। मार्कशीट डॉक्यूमेंट सेम अपलोड करना है जैसे कि 9 to 12 मैंने आपको बताया, एजुकेशनल डिग्री जो भी है प्रीवियस का उसको अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, क्राइसिस डॉक्यूमेंट, और 2% का आपको रिफ्रेंस देना पड़ेगा वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, जो कि स्कूल टीचर डॉक्टर या जो बता सकते हैं कि आपके घर में क्राइसिस हुआ है, और अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स मतलब अपना यहाँ पे जो होगा आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, लाइक आपका अकाउंट नंबर, एफसी कोड यहाँ पे मांगा जाएगा, अगर आपका नहीं है तो अपने पेरेंट का अपलोड कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल ही जेन्युइन वेबसाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अकाउंट डिटेल्स एफसी कोड देना बिल्कुल गलत है तो यहाँ बिल्कुल गलत नहीं, आप अपलोड कर सकते हैं, बेझिझक आप अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। साथ में फोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा, सेम अप्लाई वैसे ही करना है जैसे कि लास्ट में बताया मैंने 9 to 12 के लिए। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है, जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप अपने GMAIL ID से, फेसबुक से, जो भी है, या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपना फॉर्म को जो है लॉगिन करके एप्लीकेशन जो है अपना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डेडलाइन इसका भी 15 फरवरी 2022 है, ध्यान में रख लीजिए आप, और बेनिफिट जो आपका 40,000 तक का मिलेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, जो कि प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हैं लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में है, यानी कि उनका जो है यानी कि उनका जो ग्रेजुएशन डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो किस कोर्स कर रहे हैं लाइक बीटेक कर रहे हैं आप, MBBS कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, BR कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, किसी भी स्टेट या UGC रिकॉग्नाइज्ड आप जो है यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका भी जो है 6 लाख से ज़्यादा का फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए, पूरे साल को मिला देता है आपके फैमिली का 6 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि 6 लाख से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। सेम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे स्पेशल प्रीफ्रेंस या कंसिडरेशन ऐसे स्टूडेंट को दिया जाएगा जिनके घर में उनके माता पिता का डेथ हो चुका है COVID-19 के दौरान, या फिर उनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो है अर्निंग जो है वो आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि अपना जॉब जो है अपना हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर क्राइसिस डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो है स्कॉलरशिप जो है यहाँ जो देखिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है आपको स्कॉलरशिप के तौर पर यहाँ आपको मिल सकता है, 1 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। डॉक्यूमेंट सेम है अपना प्रीवियस, जो भी आप प्रीवियस जो क्लास में थे या जो भी थे उसका आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सपोज आप फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएट में तो 12th का अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर का अपलोड करना पड़ेगा, साथ में ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, करंट एडमिशन प्रूफ, क्राइसिस डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, रिफरेंस ऑफ 2 persons,
आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ये आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर, या इनसे अपलोड कर सकते हैं। अपना बैंक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने पेरेंट का बैंक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, सेम अप्लाई करना है, वैसे अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए बता दूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपका जो आप अपलोड करेंगे प्रूफ, उस बेस पे आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है टेलीफोनिक इंटरेक्शन होगा ऐसे स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। फिर अगर उनको जरूरत पड़ता है तो फाइनली जो है फाइनल सिलेक्शन जो होगा स्कॉलरशिप प्रोवाइडर करेंगे। तो इस तरह से जो होते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है अमाउंट सीधे आपके जो होगा अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब जो है आप यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। सो जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 15 फरवरी है, बट फिर भी जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें तो सही रहेगा। सो ये था 9-2 अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स जनरल प्रोफेशनल कोर्स के लिए HDFC लिमिटेड्स बढ़ते कदम स्कॉलरशिप, जो कि HDFC इसका प्रोवाइडर है स्कॉलरशिप और साथ में पार्टनरशिप है बॉडी फॉर स्टडी का। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई हेल्प आपको मिल पाता है, अगर शायद मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, टिल देन दिस इज वैक्सीन साइनिंग ऑफ।